हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली में स्थित है और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्पेशल निज़ाम के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन की मज़ार है, जहाँ पर जायरीन दर्शन करने के लिए प्रत्येक महीने जब पेशी लगती है या उर्स मेला होता है, वैसे तो रोज़ यहाँ पर शायरीन आते हैं चादर चढ़ाने के लिए। तो ये रेलवे स्टेशन से जो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है वो थोड़ी ही दूर पर बना हुआ है। तो जब भी आप हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर आते हैं, यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप प्लान बनाइए और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को उतरिए। यहीं से थोड़ी दूर पर दरगाह बनी हुई है, तो हम आपको दिखाते हैं चल करके। इधर से ऊपर जाएंगे और ये यहाँ पर जो है ऊपर टिकट की व्यवस्था है, टिकट घर है। आप यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेकर के अपना सामान चेकिंग करा करके इधर से एंटर करेंगे। और ये सामने देखिए अलग अलग एसी, डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, जनरल, लेडीज, तो सभी कुछ बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जायरीन आते हैं तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। और ये सामने जो है रेलवे प्लेटफार्म है, करीब 9 प्लेटफार्म बने हुए हैं। और जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं श्रद्धालु भक्तगण, वो यहीं पर रुकते हैं। और देखिए वहाँ तक ये पूरा रेलवे स्टेशन के अंदर ही बना हुआ है, यानी वेटिंग रूम, रहने का सब अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो बाहर निकलने का भी अलग अलग, एक पहले है और एक लास्ट में वहाँ से है। तो ये था दिल्ली का हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और दिल्ली में करीब कई रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जैसे दिल्ली ओल्ड दिल्ली जंक्शन, न्यू दिल्ली, और हज़रत निज़ामुद्दीन, लाजपत नगर और आनंद विहार, और अन्य भी रेलवे स्टेशन है, कैंट है, लेकिन ये मुख्य रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लोग पूरे भारत से ट्रेनें यहाँ का आती हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी जगह से ट्रेनें डायरेक्टली यहाँ तक चल करके आती हैं। तो इधर से भी बाहर से निकलने का रास्ता है और आगे से भी बना हुआ है। और अब हम आपको दिखाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, जहाँ पर लोग चादर चढ़ाने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो ये आगे सामने से नीचे उतरने का है। और यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह की जो ख्याति है विश्व प्रसिद्ध है, और ये भारत के इतिहास का विषय है, इसलिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए नन बैठी हुई हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। तो यहाँ सामने से भी बाहर निकलना है। और ये वेटिंग रूम है, जहाँ एसी वेटिंग रूम है, यानी जिनके पास एसी का टिकट है वो यहाँ पर रुकेंगे। और इधर बाहर इधर से निकलना है, यानी इधर से एग्जिट करना है।